रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूसी सेना लगातार आक्रामक होती जा रही है। रूस अपने घातक हथियारों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो यूक्रेन ड्रोन से पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस अपने घातक हथियारों के साथ यूक्रेन पर हमले कर रहा है तो वहीं यूक्रेन भी पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की मदद से रूस पर पलटवार कर रहा है। इन सब के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया है और रूस ने दावा किया है कि अलग अलग इलाकों में यूक्रेन पर हमला किया है, जिससे यूक्रेन का तोपखाना और हथियार रखने का भंडार गृह पूरी तरह से तबाह हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रूस की सेना अपनी घातक तोपों से एक के बाद एक बड़े हमले कर रही है, जिससे यूक्रेन को काफी नुकसान हो रहा है। रूस यूक्रेन पर जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ से हमले कर रहा है तो वहीं यूक्रेन भी पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की मदद से रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमले के लिए ड्रोन की मदद ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई करीब 150 ड्रोन को मार गिराया है। कुर्स्क में रूस अपने घातक हथियारों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क में उसकी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाली है।